हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेफ हेवन, एक रोमांटिक मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी एक निकोलस स्पार्क के नॉवल पर बेस्ड है। निकोलस स्पार्क बहुत ही बेस्ट रोमांटिक नॉवेल्स लिखते हैं। आपने नोटबुक मूवी का नाम तो सुना ही होगा, ये मूवी भी उन्होंने ही लिखी थी। आज की हमारी मूवी भी वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक मूवी है। इसमें मिस्ट्री है और इसका एंडिंग भी अनएक्सपेक्टेड है, पर फिर भी एंडिंग भी अच्छी है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में एक सस्पिशियस लड़की एक टाउन में आती है। एक स्टोर ओनर से उसका प्यार हो जाता है जिसकी वाइफ मर चुकी है, पर उस लड़की का पास्ट उससे कैचअप कर लेता है। तो उसका पास्ट क्या था यही हम मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक लड़की भाग रही है। ये हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है केटी। केटी अपने नेबर से हेल्प मांगती है और इसके बाद डायरेक्टली बस स्टॉप पर आ जाती है। केटी का पीछा पुलिस डिटेक्टिव कर रहे हैं, पर उनसे नजर छुपाकर वो यहाँ से भाग गई है। केटी की बस दूर तक जाने वाली है, पर स्टॉप के लिए साउथ पोर्ट इस गाँव में रुकती है। जब केटी आसपास देखती है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है। इस टाउन के पैर में वो पड़ जाती है। वो डिसाइड करती है कि अब उसे यही रहना है। वो पुलिस से छिपना चाहती है, इसके लिए भी टाउन परफेक्ट है। बीच के पास एक कैफे, इसके ओनर से वो बातें करती है, यहाँ काम करने लग जाती है। जो डिटेक्टिव केटी को ढूंढ रहा था उसने बस स्टॉप के सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं। इस फुटेज से उसे पता चल जाता है केटी अटलांटा के बस में बैठी हुई थी। अटलांटा इस तरह की सिटी है जहाँ से आप अमेरिका के कोई भी टाउन तक जा सकते हो। इस डिटेक्टिव की फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ जाती है। केटी को रहने के लिए जगह चाहिए तो वुड्स में एक छोटा सा घर वो बाय कर लेती है। रात में उसे वायलेंस के सपने आते हैं, इसी वजह से वो सो नहीं पाती। आसपास जंगली है तो अलग अलग एनिमल्स के आवाज भी उसे आते हैं। ये पुराना हाउस है तो रात में वो नोटिस करती है कि उसके फ्लोर्स भी खराब है। नेक्स्ट सुबह केटी शॉपिंग के लिए जाती है। जिस शॉप पर वो आती है वहाँ एक क्यूट सी लड़की जिसका नाम है लेक्सी। केटी लेक्सी से पूछती है कि क्या आपके पास कोई पेंट वगैरह है। लेक्सी पूछती है कि पेंट किसके लिए चाहिए। केटी कहती है कि मैं फ्लोर पेंट करने वाली हूँ। लेक्सी इस पर बहुत हंसती है, कहती है कि फ्लोर कौन पेंट करता है। केटी उसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा कलर मुझे चूज करना चाहिए। लेक्सी कहती है कि सन का कलर तुम चूज कर लो, येलो, वो बहुत ही ब्राइट लगेगा। केटी को भी आइडिया बहुत अच्छा लगता है। यहाँ फिर लेक्सी के फादर आते हैं जिसका नाम है एलेक्स। ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। एलेक्स ने केटी को कल बस से उतरते हुए देखा था। एलेक्स को नहीं लगा था कि इसी टाउन में वो आई हुई है। एलेक्स केटी से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे रुक गई हो। जनरली लोग सिर्फ जरा हॉल्ट यहाँ लेते हैं। केटी इस पर कुछ भी नहीं बोलती। केटी को कलर चाहिए तो एलेक्स उसे एक बुक देता है। इस बुक में से वो अपना कलर चूज कर सकती है। इस सीन में हम देख सकते हैं कि एलेक्स जब केटी से बात कर रहा था थोड़ा सा वो नर्वस था। एलेक्स के साथ स्टोर में एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम है रॉजर, ये भी काम करता है। एलेक्स केटी से जिस तरह से बात कर रहा था इस पर रॉजर उसे चिढ़ाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केटी कैफे में काम कर रही थी, तभी पुलिस आ जाते हैं। केटी को लगता है कि उसे पकड़ने के लिए वो आए हैं, पर पुलिस का और कुछ काम था। वो फिर रिलैक्स होती है। केटी जब घर पर आती है तो वहाँ एक औरत है जो उसके घर में देख रही है। यह हमारा और एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जो। आपको मूवी में शायद लगेगा कि जो ज्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, पर ये जो भी सब करती है, जो भी कहती है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। मूवी के लास्ट में आपको सब कुछ समझ में आएगा। केटी जो से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जो उसे सॉरी कहती है कि मैं तुम्हारी नेबर ही हूँ, मैं अकेली पड़ जाती हूँ इसीलिए मैं देख रही थी कि मेरा नेबर कौन है। जो कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। सिटी में जो भागदौड़ होती है बहुत सारी आवाजें आती है, इससे जरा दूर यहाँ बहुत ही शांत लगता है, क्या इसीलिए तुम यहाँ आई हो। केटी भी इसके लिए एग्री करती है। जो उसे कहती है कि रोड के सामने मैं रहती हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी लगेगा तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ। नेक्स्ट डे केटी फिर से एलेक्स के पास आती है। उसने अब कलर चूज कर लिया है। एलेक्स कहता है कि पेंट आने में जरा वक्त लगेगा, तब तक तुम तुम्हारा नाम और नंबर मुझे दे सकती हो, यानी कि जब भी पेंट आ जाए तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। केटी उसे नंबर नहीं देना चाहती तो कहती है कि मंडे में आकर खुद चेक कर लूंगी। जब केटी यहाँ से जा रही थी तो एलेक्स की डॉटर जिसका नाम है लेक्सी एक पेंटिंग बना रही थी। लेक्सी केटी को पसंद करती है तो वो पेंटिंग को केटी को दे देती है। घर जाते जाते केटी फिर से जो से मिलती है। केटी के हाथ में लेक्सी ने दी हुई पेंटिंग है तो जो इसके बारे में पूछती है। जो को ये पेंटिंग बहुत ही पसंद आती है। वो कहती है कि ये तो एक फ्लाइंग फिश है। जब ये टाउन में से चलते चलते जाते हैं तो जो कहती है कितना ब्यूटीफुल डे है, ये सिटी भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो को हमेशा से पूरा वर्ल्ड घूमना था, अब तो वो कुछ भी घूमी नहीं है। केटी कहती है कि अभी तो तुम्हारी कुछ भी एज नहीं है, तुम अभी भी ये सब चीजें कर सकती हो। इसके बाद इनकी वॉक खत्म होती है और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जब केटी और एलेक्स बात कर रहे थे तो केटी के बॉस ने देख लिया था। जब केटी और बॉस बात करती है तो बॉस केटी से कहती है कि एलेक्स की वाइफ थी जो थोड़े सालों पहले गुजर चुकी है। उसके बाद एलेक्स की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। बॉस ने एलेक्स को इतने साल बाद केटी के साथ जब वो था तब खुश देखा है।
इसलिए वो चाहती है कि दोनों कपल बनने चाहिए, इसलिए सब चीजें वो केटी को कहती है। एक दो दिन में केटी पेंट लेने के लिए आती है। एलेक्स उसे पेंट देता है पर यह बहुत ही हेवी है, तो एलेक्स उसे पूछता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। एलेक्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो इसके लिए मना कर देती है। आगे चलती है पर उसके हाथ हर्ट होने लग जाते हैं। वो पीछे मुड़ती है तो एलेक्स उसे ही देख रहा है। एलेक्स फिर उसे लिफ्ट दे देता है। एलेक्स पेंट घर में रखने के लिए आना चाहता है पर केटी उसे बाहर ही रख कर जाने के लिए कहती है। केटी फ्लोर पेंट करती है और उसके साथ जो भी है, जो और केटी अब फ्रेंड्स बन चुकी है। जो केटी से पूछती है कि लगता है कि थोड़े टाइम तक तुम इसी टाउन में रुकोगी। केटी भी इसके लिए अब एग्री करती है क्योंकि उसे टाउन अच्छा लगने लगा है। रात में हम देखते हैं कि एलेक्स एक बाइसिकल रिपेयर करता है। वो जाकर केटी के घर के बाहर रख कर आता है। केटी छुप ही रही है तो उसे लगता है कि उसे ढूंढते ढूंढते कोई आ चुका है। वो बहुत ही डर गई थी पर सुबह उसे पता चला कि एलेक्स ये बाइसिकल उसे गिफ्ट कर चला गया है। एलेक्स उसके लिए केयर करता है। वो हमेशा पैदल घूमती है तो बाइसिकल से फास्टर घूम सकती है, इसलिए वो ये जेस्चर करता है। केटी इस पर गुस्सा हो जाती है और डायरेक्टली एलेक्स के पास जाती है। ये बाइसिकल रिटर्न करती है। एलेक्स कहता है कि ये गिफ्ट था पर केटी कहती है कभी भी रात में इस तरह से मेरे घर पर मत आना। एलेक्स भी थोड़ा सा अब नाराज हो जाता है और कहता है कि कोई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करे तो तुम्हें उसे थैंक यू कहना चाहिए। अब ये दोनों एक दूसरे से नाराज है। रात में जो और केटी हैंग आउट कर रहे हैं। जो भी सब हुआ ये केटी ने जो को बताया है। जो कहती है ये एक स्मॉल टाउन है, यहाँ छोटे मोटे जेस्चर्स तो चलते रहते हैं। अगर तुम इस टाउन में रहना चाहती हो तो इन चीजों की तुम्हें आदत कर लेनी पड़ेगी। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे है और तुम्हें हेल्पफुल चीजें वो देकर जाते हैं। केटी भी रियलाइज करती है कि वो बहुत ही हार्श थी, उसे ऐसा एलेक्स को नहीं बोलना चाहिए था। जो उसे समझाती है कि लाइफ में सेकंड चांसेस ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट डे केटी एलेक्स के पास जाती है और कहती है कि वो सॉरी है, उसे इस तरह से कुछ भी कहना नहीं चाहिए था। एलेक्स अब भी नाराज ही है। वो कहता है कभी भी इस तरह की चीज मैं फिर से नहीं करूंगा। ये दोनों बात ही कर रहे थे तभी एलेक्स का बेटा जॉश बोट पर खेल रहा था और वहां से गिर जाता है। एलेक्स अपने बेटे को बचाता है पर उसकी बेटी लेक्सी बहुत ही डर गई थी तो केटी उसे सहारा देती है, उसे शांत करती है। जब एलेक्स अपने बेटे को बचा लेता है तो केटी के पास आता है। लेक्सी को देखने के लिए वो केटी को थैंक्स कहता है। जाते जाते कहकर जाता है कि एक चीज तुम भूल रही हो, यानी कि बाइसिकल वो लेकर जाए, ये इंडिकेट करता है। लेक्सी भी बाइसिकल अब ले रहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो डिटेक्टिव केटी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसने सीसीटीवी कैमरे में देखा है कि केटी ने अपने हेयर डाई कर लिए है और वो शॉर्ट भी है। उसके पास केटी का जो फोटो था इसे वो फोटोशॉप करता है। नेशन वाइड फिर सब पुलिस स्टेशन में फैक्स करवाता है। इस फैक्स में केटी का फोटोशॉप किया हुआ फोटो और केटी एक फर्स्ट डिग्री मर्डरर है ये लिखा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपने डॉटर और अपने सन को लेकर एलेक्स आज बीच पर जाने वाला है। केटी भी अपनी बाइसिकल से टाउन में घूम रही थी। एलेक्स और वो बात करने लग गए और एलेक्स ने केटी को बीच पर इन्वाइट किया। केटी भी इसके लिए मान जाती है। केटी और लेक्सी की बहुत जमती है, ये बीच पर जाकर शॉपिंग करते हैं। जब एलेक्स और उसका बेटा जॉश अकेले होते हैं तो जॉश कहता है क्या तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, केटी हमारे साथ है। जॉश अपनी मदर को बहुत ही मिस करता है तो उसके फादर किसी से भी बात ना करे ऐसा उसे लगता है। बीच पर बहुत ही ब्यूटीफुल डे स्पेंड करते हैं। जॉश एक फिश पकड़ता है जिसकी फोटो एलेक्स लेना चाहता है पर एलेक्स फोटो ले इससे पहले इस फिश को जॉश छोड़ देता है। एलेक्स नाराज होकर पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। जॉश कहता है ये फोटोज की मेमोरी क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो मूवमेंट है इसे याद रखना। यहाँ जॉश इनडायरेक्टली बोल रहा था कि एलेक्स को हमेशा उसकी वाइफ को याद रखना है। जॉश हमेशा एलेक्स को तंग करता रहता है। केटी उसे कहती है कि एक फेज है, ये भी निकल जाएगा। एलेक्स केटी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। केटी कहती है कि मैं एक नई स्टार्ट करना चाहती थी इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। केटी पूछती है कि तुम यहाँ कैसे सेटल हो गए। एलेक्स कहता है कि आप वैकेशन के लिए मैं और मेरी वाइफ मेरे अंकल के पास आते थे। एक दिन इसी तरह से वैकेशन पर आए थे और पता चला कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। हमें लगा कि सेटल होने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है इसलिए हमने डिसाइड किया और हम यही रह गए। एलेक्स जब केटी को घर पर छोड़ता है तो केटी उसे अंदर इनवाइट करती है। उसने जो फ्लोर पेंट किए हैं वो देखने के लिए उसे बुलाती है। एलेक्स जब ये देखता है तो हमें पता है कि फ्लोर जरा खराब है तो उसका पैर उसमें धंस जाता है। ये दोनों इस पर बहुत हंसते हैं। एलेक्स का बेटा और बेटी ये दोनों ये सुन रहे हैं। लेक्सी को अच्छा लगता है कि उसके फादर को कोई ना कोई तो मिल गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव अब केटी ने जिस नेबर से हेल्प ली थी उसको इन्वेस्टिगेट करता है पर नेबर उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर से हमें टाउन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि रात में केटी घूम रही थी, उसके बॉस फिश पकड़ रही थी जो एक भाले से था। इस पैर से फिश कैसे पकड़ने हैं ये उसे सिखाया जाता है। केटी ने फर्स्ट टाइम फिश पकड़ा है तो एक्साइटेड होकर वो एलेक्स को दिखाने के लिए जाती है। एलेक्स कहता है कि मैं भी फिशिंग के लिए जाता हूँ पर पैर से वो नहीं करता। वो कनूज में जाता है
और वहां से फिशिंग करता है। वो किटी से पूछना चाहता है कि क्या वो भी उसके साथ कैनल्स में फिशिंग करने के लिए आएगी, पर वो बहुत ही नर्वस है। स्टोर में काम करने वाला रॉजर कहता है कि यार पूछ भी डालो। एलेक्स नर्वस होकर पूछ डालता है, किटी भी इसके लिए हाँ कहती है। एक ब्यूटीफुल लेक और कैनल्स में अब ये दोनों फिशिंग करने के लिए आते हैं। एलेक्स कहता है कि पूरे वर्ल्ड में ये मेरा ब्यूटीफुल प्लेस है। केटी पूछती है कि अपने वाइफ के साथ तुम आया करते थे। एलेक्स कहता है कि हाँ। केटी पूछती है कि तुम्हारी वाइफ के जाने के बाद अभी भी तुम्हें दुख होता है। एलेक्स कहता है कि पहले बहुत हुआ करता था, मैंने डिसाइड किया था कि मेरी वाइफ को मैं भूल जाऊंगा, पर यह सही नहीं है। तू मेरी लाइफ का एक ब्यूटीफुल पार्ट थी और अगर मैं उसे याद नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। टाइम के साथ अब मैं जरा हील होने लगा हूँ, मेरे बच्चों के मन में भी मेरी वाइफ की ब्यूटीफुल मेमोरीज में रखना चाहता हूँ। बस एक एक दिन में गुजारता रहता हूँ। आज पहली बार मैं तुम्हारे साथ जब हो तो सही से जी रहा हो, इस तरह से मुझे लगता है। केटी कहती है कि आज का डे परफेक्ट है। सडनली जोर से बारिश आने लग जाती है। केटी और एलेक्स भागते भागते रेस्टोरेंट में आते हैं। एलेक्स अपने एक फ्रेंड को कॉल लगाता है जो उन्हें पिकअप करने के लिए आने वाला है। बहुत रात है पर फिर भी उसका फ्रेंड नहीं आया। इस रेस्टोरेंट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाना लगता है। इस गाने पर ये दोनों डांस करने लग जाते हैं और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। अचानक से एलेक्स का फ्रेंड वहां आता है और इन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है। एलेक्स का फ्रेंड एक पुलिस है तो केटी उससे बहुत डरती है। एलेक्स और उसका फ्रेंड केटी को घर पर छोड़ते हैं। एलेक्स बाहर निकलता है और केटी को झाड़ के पीछे लेकर जाता है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर एलेक्स वहां से निकलता है। एलेक्स का फ्रेंड उसे चिढ़ाने वाला था पर एलेक्स कहता है कि प्लीज चिढ़ाओ मत। एलेक्स आज दिन भर बाहर था तो उसके किड्स ने उसे बहुत मिस किया है। आधी रात में एलेक्स अपनी वाइफ के रूम में जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एलेक्स की वाइफ मरने से पहले बहुत सारे लेटर लिख कर गई है। ये लेटर उसके बच्चे जब ग्रेजुएट होंगे उनके लाइफ में अलग अलग पॉइंट्स पर ये उसे देने के लिए कहती है। एलेक्स की वाइफ को कैंसर था, इसी वजह से मरने से पहले वह सब लिख कर गई है। जॉर्ज भी नोटिस करता है कि एलेक्स उसकी मदर के रूम में है। एलेक्स जब नीचे आता है तो जॉर्ज कहता है कि वहां जाना अलाउड नहीं है, तुम ऐसा कुछ भी मत करो। एलेक्स कहता है कि मैं भी तुम्हारी मॉम को बहुत मिस करता हूँ, ये मेरे लिए भी बहुत हार्ड है, प्लीज मुझे समझ लो। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव केटी के घर में सब चीजें ढूंढता है। यहाँ पर उसे हैंडराइटिंग दिखती है जो हैंडराइटिंग केटी की नहीं है, उसके वो नेबर की है। नेबर ने कहा था कि वो केटी को नहीं जानती थी पर अब उसे मालूम है कि वो केटी को जानती है। केटी भी अपने नेबर को कॉल करती है और कहती है कि वो एक अच्छे जगह पर पहुंच गई है, वो उसे हेल्प करने के लिए थैंकफुल है। फिर से हमें टाउन दिखाया जाता है। केटी और एलेक्स अब एक ऑफिशियल डेट पर जाते हैं। रात में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एलेक्स पुलिस स्टेशन पर आता है। हमें पता है कि एलेक्स का फ्रेंड पुलिस में, इसलिए अपने फ्रेंड से बात करने के लिए आया था। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में वो केटी का फोटो दिखता है। फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए वांटेड है ये वो देख पाता है। एलेक्स बहुत ही गुस्सा होता है और डायरेक्टली केटी को कन्फ्रंट करने के लिए पहुंचता है। केटी का नाम अलग है तो उसी नाम से उसे पुकारता है। केटी कहती है कि मैं सबको समझा सकती हूँ पर एलेक्स कहता है कि तुम एक झूठी हो, मैं तुम पर किस तरह से ट्रस्ट कर सकता हूँ, तुम मेरी फैमिली से भी मिली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी कि मैं एक बैड रिलेशनशिप में थी, इसी वजह से मैंने ये सब किया है। एलेक्स कुछ भी नहीं सुनता और वहां से निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिरेक्टिव को उसके बॉस ने बुलवाया है। केटी वांटेड है इस तरह से डिरेक्टिव ने फैक्स किया था पर बॉस उस पर नाराज है। बॉस कहता है केटी ने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारी वाइफ है इसलिए तुम कुछ भी करोगे ये सही नहीं है। यहाँ में अब पता चला है केटी और डिरेक्टिव हस्बैंड वाइफ थे। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था केटी जख्मी थी और भाग रही थी, ये उसके हस्बैंड ने यानी कि डिरेक्टिव ने ही किया था। बॉस डिरेक्टिव से पूछता है कि हमेशा तुम्हारे हाथ में वाटर बॉटल रहती है, इसमें क्या है ये तुम मुझे दिखाओ। बॉस चेक करता है तो इसमें लिकर है। बॉस अब डिरेक्टिव को सस्पेंड कर देता है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं केटी और उसका हस्बैंड यानी कि डिरेक्टिव ये दोनों लंच कर रहे थे। डिरेक्टिव को हमेशा से ही ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी। केटी ने टेबल से बॉटल उठा ली जिससे डिरेक्टिव डिस्टर्ब हो गया और केटी को उसने बहुत मारा था। यह रिलेशनशिप हमेशा से अब्यूसिव थी तो केटी वहां से जल्दी से भाग गए। डिरेक्टिव केटी को कुछ भी हालत में ढूंढना चाहता था इसीलिए पूरे नेशन वाइड उसने वो वांटेड है इस तरह का फैक्स कर दिया। केटी अब बहुत रोती है, एलेक्स भी अब उसे हेट करने लग गया है तो इस टाउन में वो क्यों रुकेगी, इसलिए बैग पैक करती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड जो भी आती है जो कहती है कि तुम अब फिर से क्यों भाग रही हो, इस तरह से तुम हमेशा के लिए भागती रही तो कभी भी तुम स्टॉप नहीं होंगी। केटी कहती है कि तुम समझ नहीं सकते, उस पर चिढ़ जाती है और जो कहती है कि तुम भी किसी ना किसी चीज से भाग ही रही हो इसीलिए तुम इस टाउन में हो। जो को जरा हर्टफुल महसूस होता है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में एलेक्स को पछता होता है, केटी क्या कह रही थी उसे सुन लेना चाहिए था। वो केटी के घर तक आता है पर केटी वहां से निकल गई है। वो जल्दी से पोर्ट तक आ जाता है जहां पर केटी है, उसे रुकने के लिए कहता है। केटी कहती है कि मैं नहीं रुक सकती, मेरा हस्बैंड मुझे ढूंढ लेगा।
एलिस कहता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे। किटी कहती है कि वही पुलिस है। एलिस उसे हक करता है और कहता है कि मैं तुमसे अब प्यार करने लग गया हूँ, कुछ भी हो जाए हम इस चीज का मिलकर सामना करेंगे। केटी भी रुकने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव नेबर के घर में घुस जाता है। केटी ने नेबर को मैसेज छोड़ा था कि वो सही से एक टावर में रह रही है। इस मैसेज से डिटेक्टिव को पता चल जाता है केटी कहाँ है। इसके बाद हम देखते हैं केटी और एलिस की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से डेवलप हो चुकी है। एलिस के बच्चे भी अब केटी को पसंद करने लग गए हैं। एलेक्स वरीड होता है कि जॉश को केटी पसंद नहीं आती, तो जॉश उसे कहता है कि तुम वरी मत करो, अब मुझे केटी पसंद आने लग गई है। अपने फादर खुश रहे यही उसे लगता है। फोर्थ ऑफ जुलाई आता है और पूरा टाउन सेलिब्रेट कर रहा है। तभी वहां डिटेक्टिव पहुंच जाता है। टाउन में आकर डायरेक्टली एलेक्स के शॉप पर ही वो पहुंचता है। यहाँ पर लेक्सी काम कर रही है। लेक्सी डिटेक्टिव से कहती है कि तुम हो कौन। डिटेक्टिव अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। लेक्सी को लगता नहीं कि ये डिटेक्टिव है क्योंकि ये ड्रंक है। डिटेक्टिव फिर लेक्सी को केटी का फोटो दिखाता है। लेक्सी स्मार्ट है तो केटी के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती। डिटेक्टिव को लगा था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एलेक्स जब लेक्सी को लेने के लिए आता है तो एलेक्स का वो पीछा करता है। बीच के पास आकर सब लोग मजे कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। वहाँ एलेक्स और केटी भी है। इन दोनों को डिटेक्टिव देख लेता है। रात में फायरवर्क्स जलाने के लिए एलेक्स अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। अपने साथ जॉश को भी लेकर जाता है। केटी और लेक्सी शॉप पर ही रुकते हैं। केविन हमेशा से उन पर नजर रख रहा था। जब केटी और लेक्सी सोए हुए है तो केटी को सपना आता है और सपने में जो उसे कह रही है कि वो आ चुका है, जिससे तुम भाग रही थी वो इस टाउन में है। इस सपने से डिस्टर्ब होकर केटी उठती है तो एक्चुअल में केविन घर में है। केविन उसे कहता है कि हम दोनों को बात करनी चाहिए, मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया है। केटी लेक्सी से दूर डिटेक्टिव को बाहर लेकर आती है। डिटेक्टिव लेक्सी से माफी मांगता है, कहता है कि कभी भी इस तरह से फिर से नहीं होगा। केटी अब उसे माफ नहीं करने वाली, कहती है कि हम दोनों कभी भी अब कपल नहीं बन सकते। डिटेक्टिव के हाथ में गन भी है पर केटी उसे नहीं डरती। वहां से चला जाता है और केटी लेक्सी के पास आती है। शॉप के सब दरवाजे वगैरह बंद करती है और लेक्सी को ऊपर लेकर जाती है। केटी को नीचे से आवाज आती है और केविन पूरे शॉप को जला रहा है। केटी जल्दी से उसके पास जाती है। वो लाइटर से जलाने वाला था उसे रोक लेती है। उसे कहती है कि मैंने अब रियलाइज किया है कि हम दोनों एक परफेक्ट जोड़ी है। उसके करीब आती है और उसे पानी में ढकेल देती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स पटाखे जला रहा था। वो दूर था पर वो रॉकेट जला रहे थे। एक रॉकेट की चिंगारी आग कर स्टोर को जलाने लग जाती है। एलेक्स आग देखता है और वापस आने लगता है। केटी लेक्सी को बचाने के लिए ऊपर जाना चाहती है पर डिटेक्टिव पानी से बाहर आकर लेक्सी को बहुत मार रहा है। एलेक्स थोड़ी देर में वहां पहुंचता है और लेक्सी को बचा लेता है। एलेक्स लेक्सी को बचा रहा था इसी वजह से वो केटी को हेल्प नहीं कर पाया। डिटेक्टिव ने अपनी गन निकाली थी, वो केटी को मारने वाला था पर ये गन केटी चला देती है और डिटेक्टिव मर जाता है। आग शांत होती है। पूरे हाउस में से एलेक्स ड्रॉअर निकालता है जिसमें उसकी वाइफ ने लेटर्स लिखे थे। ये सारे लेटर्स अभी तक इंटैक्ट है। जॉश की मदर का रूम जल चुका है तो बहुत रोता है। एलेक्स कहता है कि जिस तरह से पहले रूम था उसी तरह से हम फिर से बिल्ड करेंगे। जॉश कहता है कि मॉम को मैं बहुत मिस करता हूँ। एलेक्स भी कहता है कि मैं भी करता हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केटी और जो बात कर रही है। केटी ने जो को कहा था कि तुम भी इस टाउन में छुप रही हो, तुम भी किसी ना किसी चीज से भाग ही रही हो, तो जो ने अब डिसाइड किया है कि इस टाउन से वो चली जाने वाली है। जाते जाते जो केटी को कहती है कि तुम बहुत सारे पिक्चर्स लेना, सारी मेमोरीज हमेशा इंटैक्ट रखना। जब केटी एलेक्स के साथ है तो एलेक्स केटी को एक लेटर देता है। ये लेटर एलेक्स की वाइफ ने एलेक्स की नई वाइफ जो होगी उसके लिए लिखा था। केटी लेटर पढ़ती है। इस लेटर में लिखा होता है अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो एलेक्स तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, अगर वो नहीं करता तो कभी भी तुम्हें नहीं मिलता। एलेक्स की वाइफ ने और लिखा होता है कि वो खुश है कि केटी एलेक्स को मिल चुकी है। इस लेटर में विश होती है कि शायद मैं तुमसे मिल पाती या किसी ना किसी वजह से शायद मैं तुमसे मिल भी रही होंगी। केटी फिर इस लेटर के साथ एक फोटो देखती है। यह जो फोटो है इसमें जो और जॉश है, यानी कि एलेक्स की वाइफ जो ही है। मूवी में हमें जो दिखी थी ये जो की स्पिरिट थी। एलेक्स की वाइफ मरने के बाद भी इसी टाउन में थी क्योंकि वो देख सके कि उसकी फैमिली किस तरह से है, वो अच्छी तरह से रह सके, इसलिए हमेशा उन पर वो नजर रखती थी। एलेक्स और केटी की रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए भी जो का ही हाथ था। मूवी के लास्ट में हमने देखा है कि जो अब इस टाउन से चली जाती है, यानी कि जो की स्पिरिट अब खुश है कि एलेक्स को केटी मिल चुकी है। इस लेटर में जो ने और भी लिखा है, वो लिखती है कि तुम्हें उनका ख्याल रखना है, उन्हें हंसाना है, जो वो रो रहे होंगे तो उन्हें सहारा देना है। क्या सही है क्या गलत ये अब तुम्हें उन्हें सिखा सकती हो। आई होप एलेक्स को फिर से महसूस हो कि प्यार किस तरह से होता है। जॉश मेरे साथ फिशिंग करता था तो तुम्हारे साथ भी कर सकता है, वो खुश है
कि लेक्सी के वेडिंग डे पर केटी भी उसके साथ होगी। वो विशफुल है कि केटी उनकी फैमिली अब कंप्लीट करेगी। इसी एक ब्यूटीफुल नोट पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।